शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से शहनशाह बाज़ंतीन हर कुल के नाम सलामती हो उस पर जिसने राह रास्त इख्तियार की। मैं आपको हक की दावत देता हूं। अल्लाह ने मुझे तमाम दुनिया की तरफ रसूल किया है। अपनी नजात के लिए इस्लाम कबूल कर लीजिए। यह अरब के एक नए नबी की बात कर रहा है। योहन्ना की तरह जैसे वो शाहर के पास बयाबानों से निजात का पैगाम लाया था। बनाम मकुकस वाली सिकंदरिया। किसरा शहनशाह फारिस, मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। आपकी निजात सिर्फ इस्लाम में है। कबूल कर लें इस्लाम। तुम चरवाहे बियाबानों से निकलकर हमको यह बताने आए हो कि हमें किसके आगे झुकना चाहिए? मोहम्मद खुदा का रसूल, उसे यह मनसब किसने अता किया? मोहम्मद को अल्लाह ने इंसानों के लिए रहमत बनाया है। जियो इंतहाई नेकनीयती और खुलूस दिल से फिल्म द मैसेज अपने नाजरीन की खिदमत में पेश कर रहा है। हमारे पेश नजर हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी है जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि लोगों, इस पैगाम हक को जो तुम तक पहुंच चुका है उन तक पहुंचा दो जिन तक नहीं पहुंचा। हम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इरशाद मुबारक पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में इस फिल्म के वसीले से हुजूर का ये पैगाम अजीम पेश कर रहे हैं। दुनिया इस्लाम के मुमताज उलमा और मुअर्रिखीन, आलम इस्लाम की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर और लबनान की आला शियत कांग्रेस ने इस फिल्म के मुसव्वदे की तारीखी सच्चाई और दुरुस्तगी की तस्दीक की है। ये फिल्म बनाने वालों ने इस इस्लामी रिवायत पर ईमान रखते हुए कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिखाया जा सकता, आ हजरत के किरदार को शख्सी तौर पर इस फिल्म में नहीं दिखाया। मुलाहिजा कीजिए फिल्म द मैसेज उर्दू जुबान में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 बरस बाद जब यूरोप इंतहाई तारीकी में डूबा हुआ था और तमाम कदीम तहजीबें दम तोड़ रही थीं, मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई। मक्का उस वक्त एक बड़ा तिजारती शहर था जिस पर कुछ मकामी ताजरों की इजारादारी थी। मक्के की खुशहाली और दौलतमंदी का बायस उसकी एक इम्तियाजी खसूसियत थी, मक्का बुतों का मस्कन था। सालाना मेले के मौके पर अरब के पुजारी और काहिन यहाँ जमा होते और अपने अपने बुत काबे की तहवील में दे देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियाद तौहीद पर रखी थी, वही काबा शिर्क का गढ़ बन चुका था जहां 360 बुत
360 खुदा थे। मक्का 610 ईस्वी में। आज का हिसाब कर लियो भैया। अभी नहीं, लेकिन इस बरस खुदा हमारे लिए सोना बन गए। क्या बात है, एक तरफ खुदा दूसरी तरफ मुनाफा और बीच में तुम। कुछ और खुदाओं को काबे में रखवा दूं। ओ, शाम से काफला, फिर तो प्यासे भी होंगे। पुराने कुओं पर 5 आदमी और लगा दो। इनके लिए कितनी भेड़े कटवा दूं? 70 100 होने चाहिए, मक्का मेहमान नवाजी का भरम लगता है। और सरदारों के लिए 10 भेड़े अलग से। पानी और रोटी ही मिलता है हिकम के घर सिर्फ शायर को, जिसकी वजह से शेर गले में घुट के मर जाते हैं। और बहुदार रोटी तो पानी से भी पतली होती है। ओ, हटो, बड़े हटो, जगह दो गीतों के मतवालों। अबू सुफियान को रास्ता दो, वो कुछ सुनना चाहते हैं। मौलवी मिलेगा, इल्म और फन के सरपरस्त हैं। जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं, लुत्फ मिलता है, प्यार पाते हैं, खूब पीते हैं, खूब खाते हैं, नूर नगमा की बात चलती है, महफिल ऐश गर्म होती है, जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं। चीन का बेहतरीन रेशमी कपड़ा बदन से छू जाए तो रोम रोम झूम उठे, देखो तो आंखों में सुरूर उमड़ आए। ठीक, 7-10 20 दीनार अबू सुफियान की भी। ओ, पाखो, देखो भाई, काबे के मत भी तो जरूरतमंद है। वो कौन है? वो वहां जिससे मेरी रूह में झांक लिया है। मुझे यहां से फौरन ले चलो। आखिर मोहम्मद यहां आता ही क्यों है? तुम उसे रोकते क्यों नहीं? भतीजा है तुम्हारा, ठीक हो जाएगा। क्या, 40 बरस का हो चुका है वो? ये दीवानगी है। इतनी अमीर बीवी का साथ है, मक्का की हर आसाइश खरीद सकता है वो, लेकिन उसे तो गार में बैठकर लरजना अच्छा लगता है। दीवानगी है ये। दीवानगी है कि एक इंसान खतरा मोल ले उसका जो सेहत देती है। मना हमारी खुशहाली का जामन है, लाद जो हमारे खानदानों और कबीलों का निगरबान है, और हुबल, हुबल हमारी तजारत का रखवाला, किस्मत बनाने वाला। खुदाओं का इस तरह खुलम खुला इनकार खतरनाक है, बिना जवाज है, बगावत है, कुफ्र है। हाँ, मुझे डर है कि मोहम्मद खुद को मुसीबत में न डाल ले। सालाना मेला खत्म होने पर मैं हमेशा उदास हो जाता हूं, जाने अगले बरस में हो या ना हो। अबू तालिब, अबू तालिब। नाम सुन लो जैद। क्या मोहम्मद पहाड़ी से लौटे? वो 3 दिन से पहाड़ी पर है। नहीं, हमने तो नहीं देखा। खदीजा का ख्याल था कि वो वापसी में आपसे मिलते हुए आएंगे, फिर वो ऊपर ही है। 3 दिन से उसका यू पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके मान ही नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है।
اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا, جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. پڑھو. وہ ابھی تک کمبل میں لرز رہے ہیں لیکن ہوش میں آ چکے ہیں. زید, میرے بھتیجے کے ساتھ پہاڑ پر کیا ہوا؟ وہ غار میں تنہا تھے کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اس نے کہا, پڑھ. محمد بولے, میں پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے پھر کہا, پڑھ. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا, جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پڑھ. کیا خبر وہ جبرائیل ہو یا پھر ایسے خواب؟ لیکن محمد جب پہاڑی سے لوٹ رہے تھے انہوں نے جبرائیل کو پھر دیکھا, زمین اور آسمان کے بیچ ایک آدمی کی صورت میں. وہ جہاں دیکھتے تھے ہر طرف انہیں وہی نظر آتے تھے. تب اس نے پھر کہا, میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے اس بارے میں کس کس کو بتایا؟ اپنی بیوی اور علی اور اپنے دوست ابو بکر کو. اور تمہیں؟ میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں. ہر کسی سے یہ بات مت کرنا اور اسے بتا دو کہ جس طرح اس کے چچا نے بچپن میں اس کی حفاظت کی تھی اب بھی کرے گا. اسے سنا ہے کہ موسیٰ سے خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کلام کیا تھا. اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو ہم روکیں گے. وہ اس شہر میں فساد ڈال رہا ہے, گھر سے گھر جدا کر رہا ہے, نسلوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے, اولادیں باغی ہو گئی ہیں. نوجوان اس کی باتیں سنتے ہیں, وہ اسے پسند کرتے ہیں. ہم عرب ہیں, بڑوں کا حکم مانتے ہیں, بچے ہم پر حکم نہیں چلا سکتے. ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی جو کل تک ہماری طرح بازاروں میں پھرتا تھا آج خدا کا پیغمبر بن گیا ہے؟ کہتا ہے گلی سڑی ہڈیاں پھر سے جی اٹھیں گی. کہتا ہے جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کہیں خدا ہم سے ناراض ہو کے کسی دوسرے شہر پہ مہربان نہ ہو جائیں. اسے کہو ہم دیں گے اسے اختیارات, مرتبہ, کعبے کی چابیاں اور دولت جتنی وہ چاہے. اسے کہو جو چاہے گا دیں گے. اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور مجھ پر بھی. ان بوڑھی ہڈیوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکیں. میں نے تمہیں گودوں کھلایا ہے, تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ مان جاؤ ورنہ وہ تمہیں بہت ستائیں گے. اس نے مجھ سے کہا, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند, تب بھی اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے سونپا. میری موت کے بعد جو جی چاہے کرنا, مگر جب تک زندہ ہوں میرا حکم ماننا ہوگا. کیوں ستا رہے ہو اپنے باپ کو؟ اگر میں ہر وقت نشے میں چو رہتا اور ہر رات جوا کھیلتا تو تمہارے نزدیک یہ باعث فخر ہوتا؟ جو بھی ہوتا میرا بھائی تو لگتا. تم سب میری اولاد ہو.
मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मगर लगता है थोड़ा। मोहम्मद के पास बहुत है, उनके पास सारी दुनिया के लिए है। निकाल दें इसे घर से। ये वलीद जमे नहीं, तेरा बाप है, उसे तू अजियत दे रहा है। रुक जाओ। वो कैसे कह सकते हैं सब कुछ नया है, जबकि कुछ नया नहीं। हमारे लिए तो नया है। अल्लाह का ये पैगाम पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया, तर्क कर दिया, भुला दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, इसलिए फिर नया है। कौन हो सकता है? जाफर होगा। ये क्या लाया? अल्लाह की वही। जब सूरज लपेट दिया जाए, जब तारे झड़ पड़े, जब पहाड़ चलाए जाएं, जब 10 माह की हामला ऊंटनियां छूटी फिरें, और जब वैशी दरिंदे हाके जाएं, जब समंदर उबल पड़े, जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएं, और जब जिंदा दबाई जाने वाली बच्ची से पूछा जाए किस खता पर मारी गई, जब नामाए अमाल खोल दिए जाएं, और जब आसमान खींच लिया जाए, तब हर जान जान लेगी कि वो क्या लाई है। क्या तुम थे वहां जाफर जब इस वही का नुजूल हुआ? सुबह हो रही है। अम्मार, पहले तुम, फिर तुम जाओ जाफर। अम्मार, तुमने अपनी मां को रात भर परेशानी में जगाए रखा है। मैं शर्मिंदा हूं। कहां थे तुम? क्या फिर मोहम्मद के पास? अब क्या होगा? मेरे बेटे को बख्श दे, ये मेरी गलती थी। उसने जिंदगी भर हमारी मदद की है, लेकिन ये तो गिरकर टूट गया, अपनी मदद भी ना कर सका। तुम किसकी बातें सुनते रहते हो? सच्चा खुदा अनदेखा है, गारे का बना हुआ नहीं। मार, हम काबे में रखे खुदाओं को रोज देखते हैं, मैं डरती हूं तुम जिन्हें सुनते हो वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। मैं मोहम्मद को सुनता हूं मां। मोहम्मद एक शफीक इंसान है, हाँ, देने वाला, हाथ बटाने वाला, हर वक्त मुस्कुराने वाला, लेकिन उसके ख्यालात बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक ख्यालात? कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक ना मारे, ये खतरनाक ख्यालात हैं? लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज तुम्हारी मां के साथ हूं। तुम जानते ही हो कि हम कभी ना मिल पाते यासिर, और तुम पैदा ही ना हुए होते, मैं भी जिंदा दफन हो जाती अपनी दो बहनों की तरह, लेकिन मेरा बाप ऐसा ना कर सका।
वो ऐसा ना कर सका तीसरी मर्तबा। जब दूसरी बेटी को भी, जब मेरा बाप मट्टी डाल रहा था उस पर, तो मेरी मुन्नी सी बहन ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने मेरी मां को बाद में बताया, जब तक वो मर ना गई, मेरा बाप उसके मुन्ने हाथ से अपनी उंगली छुड़ा ना सका, वो हिम्मत ही ना कर सका। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप घर से बाहर निकल गया। वो चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। सुमैया, यही दस्तूर है। ये जुर्म है। जो खुदा उसकी इजाजत दे वो खुदा नहीं है। मैंने मोहम्मद से उनके घर जाने का वादा किया था। हम वहां इबादत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। पढ़ो, मोहम्मद तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। क्या 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 कहा तुमने? वो बोल सकता है? अरे भाई बोल तो तुम भी सकते हो। अब बोलो नौजवान, क्या कहता है मोहम्मद? वो मोहम्मद के नहीं, खुदा के लफ्ज हैं। कौन सा खुदा? कौन से लफ्ज? एक बोलने वाला खुदा? तुम्हारा मोहम्मद खुद कलाम ही करता है। जब अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है तो मोहम्मद याद करके उनको लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं। यही कुरान है। मोहम्मद के फाके उस पर गनूद की तारी रखते हैं, कम्बल ओढ़े तारीख ख्वाबों में भटकता रहे। वो तारीकी नहीं, उजाला है। तू इसको सजा दे, इसकी बकवास। छोड़ो इसे, रहने दो। क्या मोहम्मद नहीं समझता कि हमारी जिंदगी का दारोमदार उन खुदाओं पर है जो काबे में रहते हैं? हर साल तमाम कबीले इबादत के लिए यहां आते हैं और हमसे सामान खरीद कर ले जाते हैं। भला हम कैसे ला सकते हैं 300 खुदाओं की जगह सिर्फ एक खुदा जो नजर ना आए और हर जगह मौजूद हो, ताइफ में, यसरब में, मेरे घर में, यरूशलम में और चांद पर भी। मक्का तो बेहैसियत हो जाएगा। हमारे खुदा हमारी इबादत भी हैं और दौलत भी। खुदा कारोबार का जरिया नहीं है। नौजवान, तुम अपनी शामत को आवाज दे रहे हो। हमार समझदारी से काम लो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मोहम्मद तुम्हें सिखाता है आका और गुलाम बराबर हैं। क्या ये हबशी बलाल मेरा सर खरीद मर्तबे में मेरे बराबर है? हाँ, मोहम्मद फरमाते हैं अल्लाह की नजर में तमाम आदमी इस तरह बराबर हैं जैसे कंघी के दंदाने। गुलामों और भिकमंगों के लिए बड़ा पुरखशिश ख्याल है, उनके भी नखरे हो जाएंगे। बिलाल समझा दो इस शख्स को मक्के के सरदार गुलाम में फर्क। कोड़ा लो और इसके चेहरे पर इतने मारो कि अपना सबक भूल जाए। मारो इसे, मारो इसे, काट दो इसे, मारो इसे। मारो बिलाल, हुक मानो, ये मार डालेंगे तुम्हें। कैसी लाकानूनियत है ये? गुलामों तक को बगला दिया है। अगर तुम एक इंसान होने के नाते खुदाओं को मानते हो तो याद रखो वो तुम्हारे नहीं तुम्हारे आका के खुदा हैं। मैंने तुझे बिलाल तेरी इंसानियत के साथ खरीदा था, अभी सीधा करता हूं तुझे। एक एक खुदा, एक सिर्फ एक खुदा। कौन ज्यादा ताकतवर है, तेरा आका या तेरा सिर्फ एक खुदा? एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। भारी पत्थर लाओ। एक खुदा, एक एक खुदा। कुचल दो इसे।
अबूबकर इस गुलाम के 100 दिनार देने को तैयार हैं। ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है कि हम सदा के बाद गुलामों का सौदा करें। मैंने उमैया से पूछा है। 200। अगर गुलामों की कीमतें इसी तरह बढ़ने लगी तो एक दिन जाती काम खुद करना पड़ेंगे हमें। ले जाओ इसे, रखो या मार डालो, अब ये मेरे काम का नहीं। हम इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कह दिया, सबको इस्लाम का पैगाम पहुंचा दो। खिड़कियां दरवाजे खोल दो, सारी दुनिया को सुना दो। अंधेरे छट गए, अब रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह का पैगाम, रसूल अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो रोशनी का मीनार है, वो निशान मंजिल है, वो नूर इल्म है। जान जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। रोमो काबा को चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम जुल्मत से नूर की तरफ आ गए हैं, हमारे साथ मिलकर चलो काबा की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहम्मद और उसकी बगावत इस्लाम की शक्ल में जाहिर हो गई है। वो हमारे खुदाओं और दीन को मिटाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें काबा तक मत पहुंचने दो, धकेल दो उन्हें पीछे, डट जाओ अपने खुदाओं के लिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद के रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद की इबादत करो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये मौका है, मिटा दो इन्हें, सिर्फ 30 हैं। नहीं, बहुत हो गया, ज्यादा किया तो ये और हमदर्दियों से मिट लेंगे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, कह दो ए मुनकिरो, मैं उसे नहीं पूछता जिसे तुम पूछते हो, इन्हें काबा और ना तुम उसे पूछते हो जिसे मैं पूछता हूँ। तेरा झूठा रसूल अल्लाह की इबादत करो। बचाओ, बचाओ इनको, इनको इनको इनसे बचाओ, कौन मिले इनको बचाओ, तैयार हो जाओ।
बहुत बहादुर हो। ये अरब का सबसे ज्यादा बहादुर है जब इसके सामने निहत्ते हो। मोहम्मद झूठा है। झूठा है? तुम इसे बोलने कब देते हो? क्या सच है और क्या झूठ, जबकि अब तक तो कुछ कहा ही नहीं गया। मोहम्मद एक फरेबी है। चलो हिम्मत है तो हाथ उठा मुझ पे। लो आज से मैं अपने भतीजे के दीन पे हूं, जो वो कहता है वो मैं मानता हूं। जिस किसी में लड़ने की हिम्मत है मुझसे लड़े। मोहम्मद, सहरा रात और तन्हाई, मुझसे यही तो कहते हैं, खुदा एक घर का कैदी नहीं। कौन सोच सकता था कि हमजा ऐशो निशाद का दिलदादा, शेर का शिकार करने वाला दरिंदा मोहम्मद से आ मिलेगा? जितना हम जुल्म करेंगे उतने ही उनकी हिमायती बढ़ेंगे। कहां से ढूंढ कर लाता है वो ऐसे लफ्ज? मैं नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है कि एक उम्मी पहाड़ पर जाए और तीन दिन के बाद लौटे भड़कती हुई शायरी के साथ? मान लेते अगर शायरी होती। वो तो कहता है कि कलाम खुदा है, भला हम उस शख्स से कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत को हम समझ नहीं सके। मोहम्मद के जन्नत के बाद आसमानों में दरख्त, तभी तो लोग उसकी सुनते हैं। तो फिर हम उसके सुनने वालों के साथ वो सुलूक करेंगे कि उसे सुनना छोड़ देंगे, पहले कमजोरों से नम लेंगे। कौन है तेरा खुदा? बोल बुढ़िया, कह दे, कह दे, हबल तेरा खुदा है, कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह।
अमार, तुम्हारा बाप और माँ इस्लाम के पहले शहीद हैं, उनके लिए जन्नत का वादा है। तुम लोगों में बर्दाश्त का और कितना हौसला है? हुजूर ने फरमाया मक्का छोड़ दे, अगर न गए तो वो सबको मार देंगे एक एक करके। हुजूर कहते हैं कि हबशा का बादशाह एक ईसाई है और उसके मुल्क में सब बराबर हैं। तो फिर फौरन निकलो आज ही। हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया मगर वो गायब हो गए। वहीं तो थे तपता सहरा मंडलाते गिद्ध, और तूने उन्हें जाने दिया? जाने दिया? वो गायब हो गए। मोहम्मद यही है, सिर्फ कमजोर भागे हैं। कमजोर होंगे ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हबशा, अमरो, तुम शाह हबशा नजाशी के दोस्त हो? हाँ। क्या ये दोस्ती काम आ सकती है? मेरा ख्याल है मैं उन्हें ले आऊंगा। हबशा, सीधे हो जाओ उमरू। तुम जानते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मैं ना दूं। ऐ यहूदी के शेर, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। जहां से हमारी दोस्ती शुरू होती है। हमारे कुछ बागी गुलाम फरार होकर आपकी सल्तनत में आ गए। गुलाम वापस जाएंगे, अगर हमारे गुलाम होते तो तुम भी उन्हें लौटा देते। गुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं बागी। बागी? अगर अरब में कोई गड़बड़ा है तो मुझे तला क्यों नहीं?
وہ مذہب کے باغی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب ابتدا میں بغاوت ہی ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے غلاموں کا جسم تو ہمارے اختیار میں ہو سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح جو ہمارے گڈریا ہیں وہ جسموں کی نہیں روحوں کی گلہ بانی کرتے ہیں۔ مگر یہ وہ عرب ہیں جنہوں نے اپنے آبائی دین کو چھٹا کر دیوانے کی اطاعت قبول کر لی، جسے وہ نبی کہتے ہیں۔ میں روحوں کو زنجیریں نہیں پہنا سکتا جب تک سن نہ لوں۔ جب مکہ میں ہم پر ظلم ہوا تو رسول اللہ نے کہا حبشہ چلے جاؤ، ایک سچے بادشاہ کا ملک ہے جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ جسے یہ ظلم کہتے ہیں وہ انصاف پر مبنی سزا تھی، ان کی بغاوت سارے پیغمبر نے میرے پاس کیوں بھیجا؟ کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اہل کتاب ہیں، ان کو یقین تھا کہ خدا آپ کے دل میں ہماری حفاظت کا خیال ڈال دے گا۔ ان سے بات کرنا سر آپ کو پانی سمجھنے کے برابر، لیکن اب مجھے ان کی بات ضرور سننی پڑے گی میرے دوست۔ بولو۔ برسوں تک ہم اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے لکڑی اور پتھر کے خدا پوچھتے رہے، ہم اللہ سے غافل تھے۔ ہمارے پاس اپنے بنائے ہوئے قوانین تھے، اللہ کے نہیں۔ امیر غریب سے لاپرواہ تھا۔ وہ فطری جذبہ جو اپنے گرے ہوئے بھائی کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لے، اپنے معاشرتی نظام میں یہ اسی انتشار کا باعث سمجھتے ہیں۔ انسانیت کی اس تذلیل کے خلاف ایک انسان ہے جو اللہ نے چنا اور جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تم جذباتی ہو گئے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں وہ کہتا ہوں تو رسول اللہ کہتا، محمد ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، سچ بولو، اپنے پڑوس کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا کہ اپنا، خیرات دو چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، عورت کی بے حرمتی مت کرو، یتیموں کے والی بنو، لکڑی اور پتھر کے ان خداؤں سے منہ موڑ لو۔ یہ کافرانہ باتیں سن کر میں چپ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم ایک قدیم تہذیب ہے، ہمارے خداؤں کو لکڑی اور پتھر کہنا سراسر جہالت ہے۔ ہم بت یا شبی کو نہیں پوچھتے بلکہ اس روح کو پوچھتے ہیں جو ان میں رہتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بت پرستی کو کبھی ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں گیا۔ شکریہ۔ اب میں اسے عورت کے موضوع پہ واپس لاتا ہوں۔ اللہ نے عورت مرد کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے، وہ مختلف ہیں مگر برابر ہیں۔ برابر؟ ہم اسے خریدتے ہیں، کھلاتے، پہناتے، استعمال کرتے، زدکار دیتے ہیں۔ عورتیں اور ہمارے برابر؟ اللہ نے کل انسانیت کو ایک عورت اور ایک مرد سے خلق کیا۔ امرو، تمہیں عورت کی اس کوہ کا احترام کرنا چاہیے جس نے تمہیں جنم دیا۔ تمہارے 300 خداؤں کی زبانیں گنگ ہیں اور ان کا ایک خدا بولتا ہے۔ اللہ اس سے پہلے بھی ہم سے کلام کر چکا، ابراہیم، نوح، موسیٰ اور یسوع مسیح کے ذریعے۔ اگر اب اللہ نے ہم سے محمد کے ذریعے کلام کیا ہے تو اس میں اتنی حیرت کیوں؟ تمہیں یہ نام کس نے سکھائے؟ یہ نام قرآن میں،
मैं तब से मोहम्मद को जानता हूं जब वो एक यतीम गडरिया था। और हम यीशु मसीह को तरखान के तौर पे जानते हैं, जो यीशु मसीह कहते हैं और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं वो एक चिराग से फैलती हुई दो शुआएं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये ईसा को नहीं मानते। ये कहते हैं तुम्हारे तीन खुदा हैं, बाप बेटा और रूल कुद्स। क्या कहते हो तुम मसीह के बारे में? कहते हैं खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, मसीह खुदा का बेटा नहीं है। मसीह के बारे में कुछ कहो। हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस रूह कुंवारी मरियम की रहम में फूंकी, इस तरह मसीह की विलादत हुई जो अल्लाह के रसूल ने। ये कहता है रसूल, बेटा नहीं, बेटा नहीं। तुम्हारा मुजजा कुरान हमारे आका के बारे में क्या कहता है? क्या मैं कुरान सुनाऊं? और करीब आओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और किताब में मरियम को याद करो, जब वो अपने घर वालों से मशरक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम ठहर चुका। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूं मैंने। तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां। खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस लेकर आया। मोहम्मद ने हमारे सिफारती ताल्लुकात भी खराब कर दिए। ठीक है, हम उसे दरबदर कर देंगे। अबू तालिब ने उसे पनाह दे रखी है। ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को निकाल देंगे। निकाल दो। एक साथ सारे खानदान को बाहर निकाल देंगे। हम इन्हें खुद से अलग कर देंगे। उन ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी संगत छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनकी शादी न करे, जब तक वो एक खुदा को छोड़ न दे। निकाल दो इन्हें। ये हयात रसूलुल्लाह के बदतरीन साल थे। वो पूरे 3 साल भूख प्यास और खुले सहरा की बेरहमी का सामना करते रहे। दुख और भी बढ़ गया जब 24 साल पुरखलूस रिफाकत के बाद आपकी प्यारी बीवी खदीजा चल बसी, और उनके बाद जनाब अबू तालिब का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब ने मरते वक्त मक्का वालों और रसूलुल्लाह के दरमियान फिर मसालियत की कोशिश की। उसने तुमसे बस यही तो मांगा, एक लफ्ज, एक खुदा। अगर ये एक लफ्ज की बात होती तो हम उसे 10 बार मान चुके होते, मगर वो तो हमसे हमारे लिए खुदा मांग रहा है। तुम डरते हो उसकी बात सुनने से भी।
चचा की मौत के बाद मक्का में जनाब रसूलुल्लाह को कोई मददगार ना रहा। तब वो अपने मुंह बोले बेटे के साथ एक रोज तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, जहां शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, मत मारो, मत मारो, रुक जाओ, दूर हट जाओ, मत मारो, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यह उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन दिन था, जब बज़ाहिर रसूलुल्लाह अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। सूरत हाल मौजाना तौर पर तब्दील हो गई। एक अमीर लेकिन अपनी तबाही पर तुला हुआ शहर यसरत, यहां से एक वफ्द ने रात की तारीकी में आपसे अकबा की पहाड़ियों में मुलाकात की और यसरत आने की दावत दी, ताकि आप खाना जंगियों और आपस के इख्तलाफात खत्म करने में उनकी मदद करें। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर वो एक खुदा की इबादत करें तो अल्लाह एक है और तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। ये हम में से हैं और हम इन में से, इन्हें अपने साथियों को, हमारे भाइयों को हमारी तरफ मदीना आने दो। सत्तर लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे, जिन्होंने तप्त सहरा का 250 मील लंबा सफर पैदल तय किया। यह वो सफर है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कितने दूर रस थे ये नतायज, कितने गहरे नकूश हैं इस सफर के। इस सफर से मुसलमानों का सने हिजरी शुरू होता है। ये वो लम्हे थे जिनमें मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के निशान मिले। हां हजरत, मक्का ही में रहे, जानलेवा खतरों में घिरे हुए, मगर वो वहीं रहे जब तक मुसलमान बहिफाजत यसरत न पहुंच गए। मोहम्मद तो एक कौम बन गया, एक शहर का मालिक बन गया, अहद भी ले रहा है, मुआहद भी कर रहा है, और तुम सलूल जिसे मदीने की बादशाहत का दावा है सोते रह गए और वो रातों रात तुमसे शहर ले गया। अपनी फिक्र करो अबू सुफयान, शाम तक इधर तो क्या महक के एक लपक ले जाने के लिए भी मदीने में तुम्हें उस शख्स के सामने रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा। तिजारती शहरक पर बैठ गया है वो तुम्हारी। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं इंतजार करूंगा। और कब तक इंतजार करोगे? जब तक तुम सारा अरब अपना दर्ज जिंदगी बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा नहीं देते। तब तक तुम क्या करोगे? जाहिर है उसकी आवाज पर लबैक, लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं उसका बन जाऊंगा तो हर किस नहीं। मदीने के लिए ईमान लाना बुरा सौदा नहीं। मुनाफकत? मुनाफकत नहीं, अकलबंदी। शाह सलूल, जमीन पे माथा रगड़ेगा दिन में 5 बार? यकीन नहीं आता। तुम फिक्र ना करो, जो पहले नहीं किया आप करेंगे।
قتل محمد علی اس کا بھائی وہاں لیٹا تھا اس پر قربان ہونے کے لیے یہ ہم کن لوگوں سے لڑ رہے ہیں وہ دور نہیں گیا ہوگا کیونکہ ہر راستے پر پہرا ہے صحرا کی طرف نکلا ہوگا بلکہ اس شخص کو سو اونٹ دے گا جو محمد کو لائے گا یا اس کے سر کو وہ تین ہیں محمد ابوبکر اور عریقت انہیں لے جانے والا بدو کیا ہے یہ یہ چرنے والے اونٹ نہیں کھجورے کھاتے ہیں یہ شہر کے اونٹ ہیں نہیں یہاں کیا کر رہے ہو مدینہ تو شمال میں ہے نشان اونٹوں نے بنایا ہے میں نے نہیں بدو اور مغرب کی طرف میں اپنے فن میں ماہر ہوں سنا ہے کہ تم ہوا سن کر پرندے کا راستہ بتا دیتے ہو ان کے ساتھ ہی چلو وہ وہاں اس غار میں ہو سکتے ہیں محمد اگر تم باہر نکل آؤ ہم تمہیں زندہ مکہ لے جائیں گے محمد باہر آ جاؤ وہ یہاں نہیں ہو سکتا جالا کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے کبوتروں نے تو گھونسلہ بھی بنا رکھا ہے ہم نے پیچھا کرنے میں غلطی کی ہمیں شمال کی طرف جانا چاہیے تھا تو پھر چلیں ابھی وقت ہے کہ ہم انہیں پکڑ سکیں رسول اللہ اور ان کے قتل کے بیچ صرف مکڑی جالے کے چند تار ہی تھے لیکن آپ وہ رجل عظیم تھے جنہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا عریقت انہیں اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر کو بے قرار اور بے آب و گیا صحرا سے نکال لے گیا مدینے والے استقبال کے لیے ان کی راہ تک رہے تھے لیکن لرزتے دلوں کے ساتھ اللہ کرے وہ سلامتی سے پہنچ جائیں کچھ دیکھا نہیں کچھ نہیں اس نے کہا تھا وہ محض انسان ہے کوئی انسان اس گرمی میں نہیں بچ سکتا چھپ جا بھاگ جا کہیں دکھاوے کے لیے تجھے آزاد نہ کرنا پڑے
خوش آمدید شہر مدینہ، یہ شہر آپ کے قدموں کی برکت کو خوش آمدید کہتا ہے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ میرے گھر رہے، مدینہ کا سب سے شاندار گھر، آپ رہیں گے تو میری عزت بڑھے گی۔ میرے ساتھ رہے، میرے گھر میں۔ سنو، رسول اللہ ایک ہی وقت میں کس کس کے مہمان بن سکتے ہیں؟ جہاں اللہ ان کی اونٹنی کو ٹھہرا دے گا وہیں رسول اللہ اپنا گھر بنائیں گے۔ منظور ہے، ہم قصبہ کو کھلا چھوڑ دیں گے، جہاں وہ بیٹھے گی وہیں رسول اللہ کا قیام ہوگا۔ بڑا چالاک ہے، بھلا اونٹنی کے انتخاب پر کون ناراض ہوگا؟ یہاں ہم سب رسول اللہ کا گھر بنائیں گے اور ایک مسجد جہاں ہم سب اکٹھے ہوا کریں گے۔ اسلام کی پہلی مسجد بنے گی یہاں۔ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اینٹیں اٹھا رہے ہیں؟ لائیں، دیکھیں آپ بہت کر رہے ہیں، جائیں آرام کریں، ہم کر لیں گے۔ لو وہ اور لینے چلے گئے۔ کام ایک عبادت ہے یا ان کا فرمان؟ ان کی عمر 53 سال ہے۔ آپ کی کیا عمر ہے؟ کمی ہے شاید گھنٹی لوگوں کو بلانے کے لیے۔ گھنٹی تو عیسائی استعمال کرتے ہیں۔
नाकूस कैसा रहेगा यहूदियों की तरह? तबल? तबल से खून की बू आती है। इंसानी आवाज क्यों नहीं? उमर बिन खताब इसकी पेशगोई कर चुके हैं। अगर रसूल इजाजत दे। इशारा तुम्हारी तरफ है बिलाल। मैं? हाँ, तुम्हारी आवाज अच्छी है। जाओ ऊपर जाओ। أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मेरे भाइयों, आज के दिन मदीने का हर आदमी मक्का के हर आदमी को सीने से लगाएगा। सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आगे बढ़ो, बराबर वाले को गले लगा लो, सब भाई भाई। मैं गुलामों को चूमने वाली सियासत से तंग आ गया हूं। इसे पढ़ो। पैगंबर को सिर्फ आखिरत से ताल्लुक रखना चाहिए। मेरा बेटा कैसा है? नमाज पढ़ रहा है घोड़े की तरह। हाथ जला दिया क्या? इसे फाड़ डालो वरना घन जला देगा। बादशाह की तरह कानून बना रहा है। उसने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम से वफादारी खानदान और कबीले की वफादारी से बढ़कर है। क्या तमाम मुसलमान एक ही खानदान के फर्द हैं? इससे धोखा न खाओ, क्योंकि इससे पहले उसे कबायली फितरत को तब्दील करना पड़ेगा। खतरा यहां है, बराबरी। पड़ोसी भी हर लिहाज से बराबर है। ये दीवानगी है। यहूदियों और ईसाइयों के हकूक मुसलमानों के बराबर। जो यहूदी इस मिसाक से वाबस्ता होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी। विरासत में औरतों के हकूक भी। हकूक? अब तो वो ऊंटों को भी हकूक देगा। वो दे चुका है, तुम उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। वो मदीने की तामीर नौ कर रहा है, मेरे मदीने की। बुरा हो उसका, उसने हमारे बेटे हत्या लिए, हमारा मुस्तकबिल छीना। वो हक पर है और हम गलत। अब बस, इस बार किसी यारी गाली की नहीं चलेगी। हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए। उनके कालीन, माल, उनकी चांदी और ये सब दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे। भाइयों, एक खबर है मेरे पास, मेरे पास मक्का की एक खबर है। जो कुछ तुम वहां छोड़ आए थे सब क्या? चोर कहीं के अबू बकर की दुकान और रसूल अल्लाह का घर फिट गए। एक एक प्याला, एक एक कपड़ा, हर जीठा, हर हड्डी जिसके तुम कभी मालिक थे कंगाल हो गए सब। क्या तुम उनके लिए लड़ोगे नहीं? ये लड़ाई की बात किसने की? तो और क्या रास्ता है हमजा? जब रसूल कहेंगे लड़ो, हम लड़ेंगे। अभी वो कहते हैं अम। बेशक तुम बहुत अमन पसंद लोग हो।
तुम तो साहब अब बर्दाश्त हो। जाओ अपने कामों पे। हमें मज़ाहमत करनी चाहिए, आप अल्लाह के रसूल हैं, वो हम फंसते हैं, गालियां देते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं करते। जंग के मसले में हम लाचार हैं, वो हवस के गुलाम हैं, हमारी नजर सिर्फ अल्लाह और आप पे। मैं जानता हूं कितनी नफरत है आपको तलवार से, लेकिन हमें लड़ना होगा। उन्होंने सब कुछ हमसे लूट लिया और उसे दमिश्क ले जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। अल्लाह के वास्ते सब कुछ वापस छीन ले। मुझे माफ कर दे, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। चिल्ला चमकरे, लेकिन देखो सूरज कहां है? यह नमाज का वक्त नहीं है। अभी अभी रसूलुल्लाह पर वही नाजिल हुई है, लड़ो और अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फितना तो कत्ल से भी सख्त है। उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना ना रहे, एक अल्लाह की इबादत हो, फिर अगर वो बाज आए तो ज्यादती नहीं, और अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो लड़ो अल्लाह की राह में, लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि तुम इन बातों पर अमल करोगे। तुम किसी औरत, बच्चे और बूढ़े पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी मजदूर को निशाना नहीं बनाओगे, खेतों में काम करते किसी दहकान पर उंगली नहीं उठाओगे, तुम दरख्तों को नहीं काटोगे, सिर्फ उन पर वार करोगे जिन्होंने तुम्हें शहर बदर किया, जिन्होंने तुम्हारे हुकूक पामाल किए, माल लूटा और खुद को मालामाल किया। चलो बदर के कुएं पुकारते हैं। सुनो मदीना से खबर, जाओ हथियार संभालो, उठा लो हथियार, जाओ अपने माल की हिफाजत करो। मोहम्मद कारवा पर हमले के लिए मदीना से निकल आया है। कितने आदमी हैं? 300, दो घोड़े। हमारे नीचे 100 घोड़े होंगे
ऊंट कितने हैं? 70। हम 170 ऊंट ले आएंगे और मेरे 20 ऊंटों पर शराब होगी, हम जश्न मनाएंगे। ये जंग मैं जरूर लड़ूंगा, हारने का सवाल ही नहीं। और अबू सुफियान से कहो कारवान का रुख बदर की तरफ मोड़ दे, हम कल अपनी फौजों समेत बदर के कुओं पर मिलेंगे। बदर के कुएं हैं यहां, मोहम्मद का लश्कर यहां, मेरा कारवां यहां। एक दिन का सफर, उनसे कुओं पे जा मिलूं। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मक्के का सब माल दांव पर लग जाएगा। अलाव बुझा लो और कुछ कराओ। हम मगरिब के रुख करेंगे, कुओं से परे। परे? ये नामुमकिन है। तुम्हें बदर में हमारे साथ होना है, हम उन्हें कच्चे अंडों की तरह पी सकते हैं। अगर मैं रात भर चलता रहूं तो सुबह तक मोहम्मद की पहुंच से दूर निकल जाऊंगा। तुम्हारा वकार कहां गया अबू सुफियान? वकार? मेरा वकार मेरी ऊंटों की पुश्त पर है। हां मैं जा रहा हूं। ने कुओं पर कब्जा कर लिया है। मोहम्मद तो खुद ही हमारे निशाने पर आ गया है, दीवाना है। अबू सुफियान कूच कर गया मगरिब की तरफ, बदर से दूर। कारवां महफूज है, अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं? अगर हम लड़े तो भाई भाई से खून का बदला लेगा। ये कहो कि बाप बेटे का खून बह रहा होगा। तुम्हारा बेटा हुज़ैफ़ा उनके साथ है ना, तुम्हें चाहिए तो उसे कोड़े मारते।
मक्का तुम्हारे खानदान से बढ़कर है। वही तुम्हारा दूसरा बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना खून है। हाँ, हम लड़ेंगे, आज की हिफाजत हम करेंगे, कल खुद को बचा लेगा। अतबा बुज़दिल नहीं है। कल उनका सफाया हो जाएगा, हम लड़ेंगे। शहर हो लिए कतार में वापस जाओ, पीछे हटो, पीछे पीछे। ये कुएं तो मोहम्मद ने बंद कर दिए, अब हमें बदर के बड़े कुओं के लिए भी लड़ना होगा जहां वो काबिज है। ये बात है तो हम लड़ेंगे। भाइयों, कुओं पर हमारा कब्जा है, हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे खड़े हैं, हम इंतजार करेंगे। कौन हो तुम? अपने बड़ों को भेजो जो हमारे मर्तबे के हो। पलटाओ। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। रुक जाओ। उबैदा, उबै और अली, हम्म,
अब जोड़ बराबर का है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। फिर इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ो। मुस्तैक निजामास उमैया। उमैया मिलाद Allahu Akbar!
रसूल अल्लाह नाराज है, तुम कैदियों को बांध के घसीट नहीं सकते। हम भी तो चकड़े गए थे। रस्सियां काट दो, मैंने कहा रस्सियां काट दो, और इन्हें पानी पिलाओ और खाना खिलाओ अपने बराबर का, और जो पैदल हो उनसे पैदल चलो। वो कैदी जो पढ़ा सके 10 मुसलमानों को वो आजाद होगा। छोड़ते मेरा? क्योंकि सब मुझे इल्जाम देते हैं, भली या बुरी जो भी वजह सही। मुझे भी उनके साथ बद्र की कुएं में गर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कारवां को बचाया है, मुस्तकबिल को बचाया। ये मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरे बाप का नाम, मेरे भाई का नाम, क्या वो समझते हैं कि उन्हें जरूरत है मुझे याद दिलाने की? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, हमजा, अपने पंजों से हमजा किन किन के बदले लूंगी? तूने मेरे बाप को ज़िबह कर दिया हमजा। शेर का शिकारी मेरा शिकार बनेगा, तू शिकारी है ना हमजा? घेर लूंगी तुझे, मेरे शिकार। जब तू मरेगा हमजा, सीना चीर के दिल निकालूंगी तेरा, तेरा खून पीऊंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। बस करो ये मातम, और नहीं चलेगा। अब जो कुछ करना पड़ा करेंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, उनके खिलाफ नई फौज बनाएंगे, और इस मर्तबा पूरी तैयारी और मंसूबे के साथ आएंगे। क्या टाउन फैल गया? यह हम कैसे अजीब और गरीब शहर में आ गए? तुम बड़े इत्मीनान से सब कुछ ले जा सकते हो, किसी को अपनी दुकान की फिक्र नहीं। निगरानी के लिए अल्लाह जो है। कहां से आए हो? यमन। मक्का में पड़ाव किया है? रास्ते में आया था। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया, मक्का में पड़ाव किया? जब तक ऊंट ताजा दम न हो गए। ऊंटों को सबसे ज्यादा चैन कहां मिलता है सिवाय मक्का के? सहरा की कोई ताजा खबर? ओ, तुम्हारे लिए बुरी है। वो इकट्ठे हो रहे हैं, हर जवान तलवार लिए मक्का पहुंच रहा है। हमारी ताकत ये है। उनको आसान मत समझना, वो अपनी तमाम कुव्वतें
हबशी गुलाम का नाम बशीर है, माहिर है, जहरीला है, देखो इसे। आजाद कर दूंगी, चांदी में तोल दूंगी, रेशम में लपेट दूंगी, ऐसे ही एक वार के बदले। तो बदले की आग इन्हें खींच लाए, ये भी जान लेंगे कितने हैं। फौज है, 3,000 तो होंगे, सैकड़ों घोड़े हैं। बदर की चोट खाए हुए, पुरानी बात हो गई, हिसाब बराबर करने आए हैं बदर का। जाओ अपनी तलवारें संभालो। वो है हमजा, पहचान लो। वो रहा तुम्हारा नसीब। वदा वाले खड़े गुस्सार वाले अजीब से खड़े। खालिद का दस्ता है। खालिद, इस नौजवान में कोई बात है। हमजा। हाँ। रसूल अल्लाह पूछ रहे हैं, क्या आपने तीरंदाजों को देखा? हाँ देख लिया, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। उन्होंने 50 तीरंदाज लगा दिए उनकी निगरानी पर, नतीजा जो भी हो उन्हें हर सूरत रोके रखना है। जैद, रसूलुल्लाह से कौन तैयार है? क्या बाकी हम तैयार हैं? हम तादाद में कम हैं, लेकिन मार्का बराबर का है। वो हमारी ताक में हैं, हम उनके। मैं अपने हरीफ से कभी खौफजदा नहीं हुआ। उबल जिंदाबाद। मोहम्मद का इशारा मिलते ही हम हमला करेंगे। हमजा तैयार हो जाओ। मुस्तैद आओ।
हमला! तीरंदाज चलो! आगे बढ़ो! शहीद हो गए निजार। खालिद अभी नहीं। कृष्णुल्ला कहाँ है? वो शहीद हो गए, मैंने गिरकर देखा है। नहीं नहीं, वो जिंदा है, लड़ रहे हैं।
ठहरो। मैं तो हार चुका था, ये फतह तुम्हारी है खालिद। हमारी फतह अधूरी है जब तक मोहम्मद जिंदा है, भूपुर इन चट्टानों में है। हमारा काम पूरा हो गया, हम बदर का इंतकाम ले चुके। हम अभी उसे और इस्लाम को मिटा सकते हैं। उसके कुछ दीवाने अब भी उसके साथ हैं, हम खतरे में पड़ सकते हैं, उन्हें बुलंदी पर होने का फायदा है। मोहम्मद सुन लो, दिन के बदले दिन, यौम-ए-ओहद इंतकाम है, इंतकाम-ए-बदर। तुम्हारे मुर्दे हमारे मुर्दों का जवाब है। हमारे शहीद जन्नत में हैं, तुम्हारे मुर्दे जहन्नम की आग में। हमजा, हमजा सुन रहे हो? हमजा देख रहे हो? ये मैं हूं, मैं हिंद। कुछ याद आया हमजा? कैसे कत्ल किया था मेरे भाव और मेरे भाई को? तुम भी कत्ल हुए। दिल में ठंडक पड़ गई, सुना तुमने हमजा? ठंडक। मौत को मेरे इंतकाम मत समझो, कुछ भी नहीं है मौत। वाशी चाक कर दे इसे, काट दे। ये जंग हारे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने कामों में और ज्यादा मसरूफ हो गए, पागल हैं। ठीक कहते हो, ये हैं ही बेतुके, ये तो हार के भी बहुत खुश हैं। कहते हैं ये शिकस्त खुदा की तरफ से इनके ईमान का इम्तिहान था। ओ हाँ, ये जन्नत के लिए लड़ रहे हैं, यकीनन पा ही लेंगे। जन्नत नहीं मक्का, जाते में ख्वाब देख रहे हैं। इनका गलत अंदाजा मत लगाओ, मैंने बहुत मुश्किल से इनको समझा है। मेरे दोस्त, मक्का इनके लिए घर से बढ़कर है, वहां खुदा इंसान से हम कलाम हुआ। मक्का के लिए इनकी रूहें तड़पती हैं, इस बरस इन्होंने हशकी ठानी है। क्या? निहत्ते निहत्ते, अबू सुफियान तो उन्हें ज़बह कर देगा सहरा में। अगर तुम भी इनकी तरह खुदा पर ईमान रखो तो इस तरह सहरा में ज़बह होने से बच जाओगे। लेकिन ये हो भी सकता है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं।
भड़कना मत, खुद को काबू में रखो, वो तो यही चाहते हैं। जमे रहो। तुम पर सलामती हो। रसूल अल्लाह का फरमान है, वो जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत है तजदीद अहद करें दरख्त के नीचे। उन्होंने किसी और को भेज दिया। सुहेल है, इसका मतलब है मुआहदा हो जाएगा। मोहम्मद, सुलहनामे की शरायत तो तुम्हें पहुंच गई है। अगर तुम आना चाहते हो मक्का तो फिर इतना तरद्दुद कैसा? ये क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान। मोहम्मद खुदा का रसूल, अगर मैं तुम्हें एक रसूल मानता तो तुमसे लड़ता ही क्यों? इसे लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुत्तफिक है सोहेल बिन उमर से। मैं तो यही जानता हूं और सच भी यही है। खूब, ये बेहतर है। तो ये तय हुआ कि इस साल तुम हज नहीं करोगे, यहीं से पलट जाओगे अपने अपने घर। घर तो मक्का है। बहरहाल तुम अगले साल हज के लिए आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 दिन। सिर्फ आओ और जाओ। हमें कबूल है कि अगले 10 बरस अमन के होंगे। इस दौरान तुम किसी कबीले पर हमला नहीं करोगे और ना ही लूटोगे कोई कारवान, और उसे भी जो कोई हमारा दोस्त हो। हम भी यही करेंगे। अगर तुमने हम में से किसी को जरब लगाई तो वादा खत्म, हम भी पाबंद रहेंगे। समझ में आ गया? दस साल, अमन के 10 बरस, इतना वक्त दरकार है बराए इस्तेहकाम इस्लाम।
یہ خطوط رسول اللہ کی طرف سے دنیا کے حکمرانوں کے نام اسلام کا پیغام شہنشاہ بازنطین کسرا شہنشاہ فارس مکوکس والی سکندریہ اللہ حافظ و ناصر نسلی عصبیت کو ختم کرتا ہے اسلام عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں نہ ہی ایک گورے کو کالے پر اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں جب تک تم اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں اگر کوئی پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ نہیں ہے مسلم عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے ایک خاندہ شخص اللہ کو بہت پیارا ہے تو پڑھنا سیکھیے اور جب سیکھ جائیے تو اوروں کو پڑھائیے یہودی ان کی تورات عیسائی ان کی انجیل ان کا احترام بھی تم پر واجب ہے کیونکہ یہ کتابیں بھی اللہ ہی کی ہیں محمد تم سب میں افضل ہیں مگر انسان ہیں ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں چن رہے تھے میں بولا لائیے میں چن دوں فرمایا تم کیوں میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں یا رسول اللہ تب انہوں نے مجھے دیکھا دھیرے سے کہا اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو میں آرام سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا اچانک وہ رکے اور کھڑے ہو گئے اور میری طرف آئے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا بیتے گی کہیں پھر لے جانے تو نہیں آئے نہیں